हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी किया था। पार्ट 2 में हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी किया था। उन दोनों पार्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो दोनों वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस की बात करेंगे, यानी कि बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला था स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने पढ़ा था, हमने टेक्निक्स में पढ़ा था कि टेलर के अकॉर्डिंग हर चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कर देना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, वर्किंग कंडीशन हो, और ये सब प्री डिटरमाइन होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब सारे आपके प्रोसीजर्स सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है, प्री डिटरमाइन होता है, तो उससे जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस इज प्लानिंग एंड कंट्रोल। साइंटिफिक मैनेजमेंट था का जो आप मेन कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर काम करता है, यानी कि सब कुछ आप एनालाइज कीजिए, एडवांस में स्टडी कीजिए, एंड देन उसके बाद आप कोई डिसीजन मेकिंग या कुछ प्लान्स का फॉर्मुलेशन कीजिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स जो भी बनाए जाते थे वो एक साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करने के बाद, सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बनाए जाते थे। तो वो प्लान्स जो थे वो बहुत इफ़ेक्टिव होते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर का जो फंडा था वो ये था, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज योर कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टेक्निक्स मिलती थी, मेथड्स मिलते थे, जिससे आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो एंड अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। अब जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी मिनिमम होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होने लगते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। हमने पार्ट 2 में टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे वो अपने वर्क मेथड्स को, अपने टाइम को एंड बॉडी मूवमेंट जो होती है, यानी कि मोशन स्टडी में हमने पढ़ा था कि कैसे आप एलिमिनेट करते हो अननेसेसरी मूवमेंट्स एंड रीइन्फोर्स करते हो नेसेसरी मूवमेंट्स। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर क्या करते हैं, आपके वर्क मेथड्स, वर्क के प्रोसीजर को और आपका जो प्रोसेस होता है ऑपरेशन का उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है तो ईजी हो जाता है उनको परफॉर्म करना, एंड हैंस आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बेटर होती जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। हमने पहले भी बात की हुई है कि जब आपका कॉस्ट डिक्रीज होता जाता है और आपकी एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज होती जाती है, तो क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज होता जाता है। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक तरफ आपका जो प्रोडक्शन बार है वो बढ़ रहा है और आपका जो कॉस्ट का बार है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उनके बीच का गैप इंक्रीज होगा और वो गैप क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प करती है प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। अनदर एडवांटेजेस हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हमने मेंटल रेवोल्यूशन टूल टेक्निक के बारे में बात की थी पार्ट 2 में, जिसमें टेलर कहते थे कि इंश्योर करना चाहिए कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में कोई डिस आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई डिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा और वर्कर और मैनेजमेंट दोनों साथ मिलकर अच्छे से काम कर पाएंगे।
अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस। तो वो तो थी एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, या आप क्रिटिसिज्म भी कह लीजिए इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो पहली डिसएडवांटेज ये थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन कंसंट्रेशन था वो सिर्फ टेक्निकल आस्पेक्ट के ऊपर था, यानी कि उन्होंने सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करनी है, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट हाउ विल यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, हाउ विल यू इंक्रीज योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इसमें ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया। ह्यूमन फैक्टर मतलब आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी वॉन्ट्स, उनके डिज़ायर्स, कुछ किसी को भी इंक्लूड नहीं किया गया। ओनली एंड ओनली फोकस वॉज ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इग्नोर्स द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इनटेंजिबल मोटिव्स लाइक रिकॉग्निशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। उस टाइम पे क्या होता था, जब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, वर्कर्स को कुछ बोलने का हक नहीं होता था। उस टाइम पे जो उनको कहा जाता था, जैसे करने को कहा जाता था वो वैसे करते थे, मतलब उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई से ही नहीं था। तो जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो रिकॉग्निशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज वो सिर्फ वो करते थे जो उनको करने के लिए कहा जाता था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में के कॉन्सेप्ट जब आया, उस टाइम पे वर्कर को कोई फ्रीडम नहीं दी एंड रिकॉग्निशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता था। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑपरेशनल लेवल एंड मैनेजरियल लेवल आर टोटली इग्नोर्ड। मैनेजर की बात साइंटिफिक लेवल में हो ही नहीं, मैनेजरियल लेवल यानी कि टॉप लेवल आता ही नहीं था, वो सिर्फ ऑपरेशनल लेवल की बात करते थे कि ऑपरेशनल लेवल पे फंक्शनल फॉरमैनशिप होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ऑपरेशनल लेवल का, सारे वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये जितनी भी स्टडीज कंडक्ट हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो सारी ऑपरेशनल लेवल के लिए हुई, और मैनेजरियल लेवल के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया गया। टेलर ने उस कॉन्सेप्ट को टच ही नहीं किया। तो कुछ रिसर्चर्स ने या कुछ मैनेजमेंट के लोगों ने, मैनेजमेंट थिंकर्स ने ये बोला कि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा है रादर देन मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम, इट रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। हमने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप सारे वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए आप स्पेशलिस्ट को हायर कर लीजिए, वो स्पेशलिस्ट वर्कर के काम को सुपरवाइज करेंगे, उनको डायरेक्शंस देंगे एंड उनको गाइड करेंगे। तो ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आपको हर काम के लिए, हर प्रोसीजर के लिए आपको स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ता है, एंड आप जब स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे तो आपको उनको अच्छा पेमेंट भी देना पड़ेगा, इसलिए दिस मेक्स दिस सिस्टम एज क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एम्स एट कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन। जब टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था तो उन्होंने कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी, मतलब आपके रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, आपके प्रोसेस, आपका मेथड, आपका प्रोडक्ट, आपकी वर्किंग कंडीशन, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, जो कि एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस सिचुएशंस जो होती हैं वो बहुत डायनेमिक होती है नेचर में, दे कीप्स ऑन चेंजिंग नाउ एंड देन, और उस और इसलिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल्स हो जाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा फिट नहीं बैठता एक्चुअल प्रैक्टिसेस में। लास्ट इज प्रोड्यूसर हैज़ टू डिपेंड हैविली ऑन द स्पेशलिस्ट एंड ओनर हैज़ नो से इन द ऑपरेशनल अफेयर ऑफ द बिजनेस। अब जो बिजनेस के को जो ओन करते थे उनको कोई राइट नहीं होता था, या उनके कोई डिसीजंस नहीं होते थे ऑपरेशनल अफेयर्स में बिजनेस के, बिकॉज ये सारे प्रोसीजर्स जो थे वो स्पेशलिस्ट के अंदर आते थे, मतलब
जैसा स्पेशलिस्ट ने कहा आप बिल्कुल ठीक वैसा वैसा करते जाइए, और जो प्रोड्यूसर्स रिलाई करते थे वो स्पेशलिस्ट के ऊपर करते थे कि ये जो करवाएंगे वो सही है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस्ड है, इनकी स्पेशलिटी है, तो वो उनके ऊपर रिलाई करते थे रादर देन टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।